कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के मजार पर खुदकुश हमले के बाद सिंध हुकूमत ने मुतल्लिका महकमे को मजार की सिक्योरिटी और तज़ईन और आराइश की खुसूसी हिदायत जारी की थी। इन हिदायत की रोशनी में एक निजी तामीराती कंपनी ने जामा मंसूबा तैयार किया जो गवर्नर सिंध को मजार अब्दुल्ला शाह गाजी के दौरे के मौके पर पेश किया गया। बहुत एम्बिशियस इसका प्लान है और इंशाल्लाह ताला ये बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट और इसकी जो ब्यूटी है और जो हेरिटेज है उसको साथ चलाते हुए मिलाते हुए इसकी जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको अपलिफ्ट किया जाएगा। मंसूबे पर 35 से 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी जिसे प्राइवेट शोबे के तावुन से मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई वजीर औकाफ का कहना था कि मंसूबे की तकमील से जायरीन को बेहतर सहूलतें हासिल हो सकेंगी। अभी ये नक्शे वगैरह जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, इंशाल्लाह ये जो है वो ख्वाहिशात से भी ज्यादा अच्छा बनेगा। नए मौजूदा प्लान में कम्युनिटी सेंटर, इंतजामी ऑफिस, मेडिकल सहूलतें, मस्जिद, सराय खाना और लंगर के हिस्से को मजीद वसी किया गया है। महकमा औकाफ का कहना है कि इस मंसूबे की तकमील से ज़ायरीन को यकीनन बेहतर सहूलतें दस्तियाब होंगी। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ शाहिद गजाली, दुनिया न्यूज़, कराची।